छत्तीसगढ़ में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का महापर्व शुरू हुआ। वहीं बेमेतरा जिले की धान खरीदी का शुभारंभ बेमेतरा जिला कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा बेमेतरा जिले के सेवा सहकारी समिति लोलेसरा में धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान नोडल अधिकारी राजेंद्र वारे, डीएमओ उपेंद्र सिंह तथा खाद्य अधिकारी गणेश कुर्रे सहित समिति प्रबंधक व क्षेत्र के दर्जनों किसान मौजूद थे। राज्य शासन के निर्देश अनुसार 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी थी और आज उसका शुभारंभ जिले के समस्त 129 धान खरीदी केंद्रों में जो 102 सेवा सहकारी समितियों के अंतर्गत आते हैं, धान खरीदी सुचारू रूप से शुरू हो गई है और ये बड़ा खरीदी शुरू हुई है और अन्नदाता सभी अब अपना धान लेके जो है आज खरीदी केंद्रों में आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, काटा बाट की व्यवस्था है, इलेक्ट्रॉनिक बाट की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है। चारभाटा निवासी किसान रामावतार तिवारी ने 108 कट्टा धान की बिक्री की। एक ही बार में उनका पूरा धान बिक गया, जिससे काफी आनंदित होकर हरी गुणगान करने लगे। साथ ही राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। बोले बहुत खुशी है, एक बार में ला के टोकन पूरा बेच दिया हूँ, बोला आनंद की बात। और एक पूरा ला के दे दिया। क्या कहना चाहते सरकार ला है? सरकार बहुत सुखी भाई, राधे राधे जय श्री श्याम है, हरे की है सहारा बाबा श्याम हमारा खाटू श्याम की जय, राधे राधे। इस बीच पत्रकारों से चर्चा के दौरान कलेक्टर शर्मा ने धान खरीदी केंद्रों में प्रदेश भर के अन्नदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं चाहिए कहते हुए समितियों के प्रबंधकों को अपील की। साथ ही बताया कि प्रशासन की तरफ से धान खरीदी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों में उत्साह, समर्थन मूल्य पर धान बेचने को लेकर छत्तीसगढ़ के किसानों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उपार्जन केंद्रों पर जिला प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। किसानों के लिए पेयजल, छाया, बैठक व्यवस्था आदि सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के निदान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि किसान जिला प्रशासन द्वारा संचालित कॉल सेंटर में कॉल कर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। साथ ही कॉमन सेंटर की भी व्यवस्था किसानों को सुविधा प्रदान कराई गई है, जिसमें 10,000 रूपये तक की नगद निकासी कर सकते हैं। बेमेतरा से तोमेश्वर खरे की रिपोर्ट। व्यवस्था पूरी पूर्ण कर ली गई है। आज 31 किसानों का टोकन कटा हुआ है, जिसमें से आज हमारे पास 27 किसान आए हुए हैं। क्रमशः नाम बता सकते हैं सर? हाँ जी, किसानों का नाम।